भागलपुर की आदमपुर थाना क्षेत्र के मनाली चौक के समीप एक बुजुर्ग से खुद को दरोगा बताकर 10,000 रुपये छीन लिए गए। अपराधियों ने घटना को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया। पहले तो उसने खुद को दरोगा बताया और फिर ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करने के आरोप में 50,000 रुपये फाइन देने को कहा और जिसके बाद बुजुर्ग के पास से 10,000 रुपये अपराधियों ने छीन लिए और कहा 40,000 और लाओ। उसके बाद बुजुर्ग ने ट्रैफिक पुलिस से शिकायत की। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने बुजुर्ग को जोगसर थाना भेजा। पीड़ित भैरव पासवान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में रसोइये का काम करता था, 4 साल पहले रिटायर हो गया है। पेंशन का पैसा निकालने के लिए भागलपुर पहुंचा था। पीड़ित भैरव पासवान ने बताया कि कहलगांव अनुमंडल से भागलपुर SBI बैंक रुपये निकालने के लिए आया था। बैंक से रुपये निकालकर घर की तरफ जा रहा था, तभी मनाली चौक के समीप एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे ट्रैफिक उल्लंघन के आरोप में 50,000 रुपये देने को कहा। मेरे पास रखे 10,000 रुपये छीन लिए और कहा कि 40,000 और लाओ और उसके बाद आरोपी फरार हो गया। इधर ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग ने अज्ञात युवक से 10,000 रुपये छीन लिए, उसको जोगसर थाने भेज दिया है। लिखित आवेदन देने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। 10,000 पैसा रोड पर होकनी तो 10,000 रुपया ले लो सर। ये लेते हैं अब कहते हम दरोगा हैं। अच्छा हाँ, नाम नहीं बताया अपना? वो अपन नाम ना बतल के हाँ कल खाली हम दरोगा हैं। हाँ तो चल जी साहब से कलच कोई कहिए ना। हाँ क्या क्या लिया आपका? वो 10,000 रुपया ले लो। चेक भी किया था? चेक आधार कार्ड चेक कर लो सर। क्या बोल के चेक किया? ये आधार कार्ड लिया। हाँ हाँ तो सब हमारा झोला चेक कर लस। 10,000 लेके भाग गया है। कहाँ आए थे आप? यहाँ पैसा निकाले। कहाँ से आए थे? रोशनपुर 35। हाँ कहाँ काम करते हैं? नाथ नगर सिटी से रिटायर हो गई। कब रिटायर? 4 साल हो गए। क्या नाम हुआ आपका? भैरव पासवान। क्या करते थे? रसोई काम। घर कहाँ हुआ आपका? रोशनपुर। रोशनपुर कौन थाना क्षेत्र? थाना पीर 35 पड़ेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के भागलपुर पहुंचते ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया, जिसके बाद अश्विनी चौबे ने प्रेस वार्ता करते हुए जमकर बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए खरी खोटी सुनाई। उन्होंने बिहार सरकार को गूंगी सरकार और लंगड़ी सरकार कहा। चौबे ने कहा कि एक तरफ बिहार में जहरीली शराब पीने से सीतामढ़ी में कई लोगों की मौत हो गई, वहीं लखीसराय में खुलेआम अपराधियों ने कई लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। कुल मिलाकर उन्होंने बिहार सरकार को गूंगी बहरी और लंगड़ी सरकार कहा। उन्होंने कहा नीतीश कुमार की टीम से अब बिहार नहीं संभल रहा, उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए। साथ में कहा कि उनकी वाणी काफी अभद्र हो गई है, जिसके चलते जनता उन्हें इस आगामी 2024 के चुनाव में गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। वो पूरी तरह से न उनको बहरी है, लंगी है, लुल्ली है, लंगड़ी है, क्या कहा जाए, कौन सी भाषा का उनके बारे में इस्तेमाल किया जाए कि राज्य सरकार बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, पैरालिसिस हो गया है बिहार सरकार को, पैरालिसिस के शिकार हो गए। उतना ही नहीं, 990 की उस भयावह स्थिति में बिहार फिर से पहुंच गया। ये दोनों जो कांग्रेस और राजद के गोद में बैठ करके ये पलटू कुमार जी बार बार पलट रहे हैं और उधर सल्टू राम, उधर उल्टू राम, इधर पलटू राम, पलटू राम, उल्टू राम और सल्टू राम में बिहार फंस गया है। बिहार की जनता यहाँ अपराधियों का और आपराधिक चरित्र वालों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि दिन दहाड़े अपराध हो रहे हैं। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, दिन दहाड़े अपराध हो रहे हैं। वे जानते हैं कि प्रशासन कोई बिगाड़ नहीं सकता, यहाँ की राज्य सरकार कुछ बिगाड़ेगा नहीं, बिहार का पूरा प्रशासन लकवाग्रस्त हो गया है। लखीसराय में हुई घटना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है, एक बहुत बड़ी चुनौती है और मुझे सही में कि उन्हें समझने को कहा, पहले बस लूटी जाती थी इसी बिहार में 90 के दशक में, आज फिर वही हुआ कि 90 दशक में बिहार की बसें लूटी जा रही है नवादा के अंदर, वहां सब इंस्पेक्टर की हत्या बालू माफिया के द्वारा होता है, यहां आए दिन माफिया पलपुल रहे हैं, माफियाओं का राज हो गया है, कभी महिला पदाधिकारी पीटी जाती है बालू माफिया के द्वारा, कभी दरोगा मारे जाते हैं, ये क्या हो गया बिहार में? आज पूरी तरह से बिहार में
जो मुख्यमंत्री को तो पता ही नहीं रहा था कि मेरा गृह भी हमारे जिम्मे है, और आज बिहार करा रहा है और बिहार नरक बनते जा रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं। नारकीय स्थिति बिहार में हो गया है, परिवार के 6-6 लोगों को गोली मारी गई, और उसकी जितनी भी कहा जाए उसका जो घटना घटी है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगा। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, आज बिहार में कोई सुरक्षित नहीं, पलायन हो रहा है, बिहार से लोग पलायन करने के लिए विवश हो गए। जो उन्हें 2005 में बिहार में जो सरकार हमारी बनी थी उस समय भी यही मुख्यमंत्री थे, हम थे तो वो थे, उस समय बिहार में पलायन रुक गया था, लोग यहां आ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज फिर से बिहार में पलायन हो रहा है, पराकाष्ठा है। आज डॉक्टर, इंजीनियर, आम जनता, व्यवसायी भयभीत हैं, महिलाएं तो अत्यंत ही भयभीत हैं, और मुझे लग रहा है कि आज बिहार के अंदर जहां बेरोजगारी है, जहां भ्रष्टाचार है, जहां अपराध का हब बन गया है, बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध का बिहार हब बन गया है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी कान में कड़वा तेल डाल के, ये चाचा, भतीजा और बड़े भाई कड़वा तेल डाल करके ये सोए हुए हैं, इनको तनिक भी लज्जा नहीं है, लज्जा नाम का इनसे लज्जा भी शर्मा रही है, अब तो लज्जा भी शर्माना शुरू कर दी है, ये मुख्यमंत्री के इस हरकत से लज्जा भी शर्मा रही है, ये दुर्भाग्य है, और इन दोनों को आज अविलंब इस्तीफा देना चाहिए, ये चाचा भतीजा बिहार को नस्तनाबूद करने पर लगी है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। गुड्डा जिला अंतर्गत बिलहर संग्रामपुर के हनवारा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नवादा के रहने वाले 25 वर्षीय कृष्ण कुमार की मौत नशीली पदार्थ पीने से हो गई। परिजन इसे जहरीली शराब से मौत की बात कहते दिख रहे हैं। वहीं टोटो चालक दो दोस्त टोटो से कहीं घूमने गए थे जिसमें एक कृष्ण कुमार भी था। दूसरे दिन जब उसे दोस्त ने घर पहुंचाया तो उसकी स्थिति काफी नाजुक थी, शरीर पूरा ठंडा पड़ा हुआ था। जब परिजनों से इलाज के लिए मैग अस्पताल लाया तो चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अब परिजनों का कहना है कि पैसे की लेन देन और गाड़ी लगाने को लेकर दोनों दोस्त में कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। अब कैसे क्या कुछ हुआ समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसके दोस्त ने मेरे भाई को नशीला पदार्थ खिलाकर मार डाला है। वहीं सब को पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। दोनों ड्राइवर था, दोस्ती था 5-6 साल से। वो ले गया बेलर संग्रामपुर है, थाना हनवारा पड़ता है और जिला गोड्डा पड़ता है। वो ले गया कि चलो मेला वाला देखने या शादी उदी का ऐसा कहीं कोई बात था। उसर ले गया 2 बजे दिन में और माँ को बोला कि मंगलवार को हम 10 बजे दिन में पहुँचा देंगे। तो कल जब हम लोग तो मंगलवार को 10 बजे दिन में नहीं लेके 10 बजे रात में पहुँचाया तो हाथ गोड़ तो ठंडा था, तो हमको लगा कि पहले इसका उपचार होना चाहिए। तो हम लोग मायागंज लेके आए, तो मायागंज जब लेके आए तो डॉक्टर तुरंत बोल दिया तो डेड कर गया। ECG भी क्या तो बोला क्लियर था, तो उसका इसी अनुमान से लगता है इसका सर वहीं मार दिया है रास्ते में कहीं। जहरीला पदार्थ ही देखे सर मारा गया इसको। कुछ सर नशीली पदार्थ खिला गया, दारू में कुछ जहर मिला के या कोई टैबलेट मिला के सुई देके कैसे सर मारा है? हाँ, वो बोला कि दारू पिलाए थे, वो भी लड़का पिया था ना कि ये मेरा भाई का मुँह नहीं महक रहा था, ड्राइवर का मुँह महक रहा था। अब वो बोला सर पिया है। आपको हमको सर लग रहा है वही नशीली पदार्थ खिला के। कारण क्या है मारने का? अब सर कारण हम क्या जानेंगे सर, कारण से विवाद होगा। विवाद सर जहाँ गाड़ी लगाता था उससे कुछ विवाद हुआ था। किस चीज को लेकर? जैसे कि हम दिन भर गाड़ी चलाए और मेरा 10 रुपया आपका जितना चार्ज बनता है तो 10 रुपया कम है,
तो हम बोले भाई आपको कल दे देंगे, इसी में उसका गट्टा पकड़ लिया, ये भी गट्टा पकड़ लिया। तो इसी विवाद के चलते और जो मारा वो भी टोटो वहीं लगाता था, होश कर उसी के संदेह से वो लोग कुछ अपना मिली भगत हो गया होगा सर। अब जाने के समय भी अटेंड हो गया होगा वो लोग। भागलपुर में ठंड ने दस्तक दी तो भागलपुर में अनोखे विदेशी पक्षियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया। शहर के बायपास में जहां अमेरिका अलास्का का ब्लू थ्रोट पक्षी दिखा तो वहीं जगतपुर झील भी विदेशी मेहमानों से गुलजार हो गया। जगतपुर झील में यूरोपियन देश रूस, मंगोलिया, अलास्का, रोमानिया के कई प्रवासी पक्षी मसलन यूरेशियन कूट, ब्रोनसाइक, सेंट पाइपर, पर्पल हेरान, येलो फ्रूटेड ग्रीन पिजन समेत कई प्रजाति ठंड की तलाश में 2 से 3 हजार किलोमीटर दूरी तय कर भागलपुर पहुंचे। जगतपुर झील में इन प्रवासी पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है जिससे यह पक्षी यहां पहुंचते हैं और 4 महीने तक झील के शीतल जल में क्रीड़ा करते हैं तो कभी पंख पसार के झील के ऊपर विचरण करने लगते हैं। भागलपुर के पक्षी संरक्षक व पक्षी विशेषज्ञ विदेशी मेहमानों की अटखेलियां देखने और प्रजातियों की गणना करने पहुंचते हैं और कैमरे में पक्षियों को कैद करते हैं। आसपास के लोग भी पक्षी को देखने झील पहुंचते हैं। भागलपुर जो है प्रकृति के संरक्षण क्षेत्र में बहुत अच्छा प्लेस है। कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ हर साल आते हैं, अभी थोड़ा सा कम आए हुए हैं। ये जगतपुर जगह है और ब्लू थ्रोट पक्षी जो हर साल यहाँ पर आते हैं, इस साल भी आए हैं। ये अलास्का से आते हैं, काफ़ी खूबसूरत पक्षी है। और माइग्रेटरी बर्ड्स जो है, ये भागलपुर जो है वो बहुत ही अच्छा प्लेस है संरक्षण के क्षेत्र में। आप लोग आगे बढ़िए। वातावरण यहाँ बहुत ही अनुकूल है, लेकिन थोड़ा सा समस्या यहाँ ये है कि जिस तरह से विकास यहाँ पे हो रहा है, देखिए अगर रोड वगैरह बन रहा है तो इससे कि शोर वगैरह होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, तो पक्षियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, जिसका रिजल्ट अभी दिख रहा है। अभी माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाना चाहिए था काफ़ी संख्या में, लेकिन वही 5-6 की संख्या में भी दिख रहे हैं। हम लोग जगतपुर में अभी हैं और जगतपुर जो है ना, यहाँ पे एक से एक सुंदर से सुंदर पक्षी यहाँ पे आता है। हर 4 महीने यहाँ पे पक्षी का एक तरह से मेला लग जाता है और इतने सुंदर सुंदर पक्षी यहाँ पे हैं कि यहाँ पे हम लोग चाहते हैं पूरे भारत से लोग आए और यहाँ पे पक्षी को देखे। यहाँ पे देखिए ना कितना सुंदर सुंदर वातावरण है और एकदम पर्यटन स्थल जबरदस्त पर्यटन स्थल। बिहार की ये धरती है भागलपुर जिला की, और भागलपुर जिला में यह है जगतपुर, और यहाँ हर साल एक से एक पक्षी आती है जो पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, ये जगतपुर की धरती पे आपको देखने मिलेगा। तो हम आह्वान करना चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान से, ये बिहार की धरती में आके यह पर्यटन स्थल का एक बार जरूर आनंद लें और जो पक्षी यहाँ आपको मिलेगा ना, उसको देख के मन मुक्त हो जाए। टोटल पिछले बार AWC में जब सर्वे किए थे तो 65 प्रजाति यहाँ पे काउंट हुआ था, तो इस बार अभी जो सर्वे किए तो अभी 28 प्रजाति ऑब्जर्व हुआ। तो इसमें ऑस्प्रे दिखा, उसके बाद कूट यूरेशियन कूट दिखा और ब्रोनसाइक दिखा, ये टाइगर फ्लाइकेचर, ये सब प्रजाति अभी प्रवासी पक्षी यहाँ पे दिखे हैं। कहाँ कहाँ से? ये यूरेशियन कंट्री से आते हैं सभी, वेस्टर्न कंट्री से आते हैं सभी पक्षियाँ, और ये प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत अच्छा झील है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे देखरेख की कमी है, जो कि इस बार जलकुंभी काफ़ी बढ़ गया है, पक्षी को प्रवास करने में दिक्कत हो रही है। ये बात मौसम यहाँ पे उनके अनुकूल है? मौसम उनके लिए काफ़ी अनुकूल है, यहाँ पे प्रवासी पक्षियों को कोई डिस्टर्ब यहाँ पे नहीं होता है। वो 1000 किलोमीटर। जिला के सनहौला प्रखंड प्रमुख अनिल पासवान का मंच पर बालबालाओं के साथ डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो छठ पूजा के दौरान क्षेत्र के धुआबे गांव में आयोजित रात्रि जागरण व ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का है, जहां सनहौला प्रखंड प्रमुख अनिल पासवान मंच पर डांस कर रहे हैं और ठुमका लगाते दिख रहे हैं। वीडियो में प्रमुख कई तरह के स्टेप से भोजपुरी गाने का डांस करते दिख रहे हैं। हालांकि इस वीडियो क्लिप की हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता। यह वीडियो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में प्रखंड प्रमुख अनिल पासवान ने बताया कि धुआबे गांव में जागरण ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम था, लोग मनोरंजन कर रहे थे, हम भी मनोरंजन कर रहे थे, अभी हम बुजुर्ग नहीं हैं, यंग हैं, नाच गाना हो रहा था तो थोड़ा नाच ही गए तो क्या दिक्कत हो गया, MP MLA भी नाचते हैं, इसमें क्या दिक्कत है।
फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन भागलपुर जिला इकाई द्वारा अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें जितने भी फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के डीलर थे उन्होंने अपने मानदेय को लेकर काफी हल्ला बोल प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के जन विक्रेताओं को मानदेय सुनिश्चित किया गया है, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं है, जिसके चलते हम लोग 1 दिसंबर से सरकार के उदासीन रवैये के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, न अनाज लेंगे और न ही ग्राहकों को अनाज देंगे। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग अनवरत अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रखंडों के जन वितरण प्रणाली के डीलर आज भागलपुर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जिला कार्यकारिणी की बैठक है। आज हम लोग 1 दिसंबर से सरकार के वर्तमान नीति के कारण 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। भागलपुर जिला के सभी विक्रेता सहित बिहार के 55,000 विक्रेता 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इस बीच में ना वो उठाव करेंगे अनाज का, ना ही वितरण करेंगे, चूँकि हमारा जो मुख्य मांग है कि हम विक्रेताओं को मानदेय मिलना चाहिए, इस पर सरकार कुछ विचार नहीं कर रही है। इसलिए हमारे बिहार फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री वरुण बाबू के आह्वान पर हम लोग बिहार के 55,000 और भागलपुर के लगभग 1500 विक्रेता 1 तारीख से हड़ताल पर जा रहे हैं, और उस हड़ताल को सफल बनाने के लिए आज जिला में हम लोग अपने 16 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं।